आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल दिया था जिसके बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस को रखा गया था और इसके चारों ओर अलग अलग जो ऑर्बिट हैं, तो उस अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल चक्कर काटते थे। और आप लोग इसे एक सोलर सिस्टम के जैसा समझ सकते हैं। ये एटम है, रदरफोर्ड का ये एटम है, ठीक है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है। जैसा कि हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में जानते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी एक पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज पार्टिकल, अगर ये दोनों एक्सेलरेटेड हो, और एक्सेलरेटेड होने पर होता ये है कि इन दोनों से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। यानी कि उसके हिसाब से, क्योंकि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर मोशन करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड होंगे, इसका मतलब ये होगा कि इनमें से भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकलेगा। और अगर इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका या इसका जो एनर्जी है वो धीरे धीरे लॉस होना चालू होगा। यानी कि इस कंडीशन में ये होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन से एनर्जी बाहर निकलना चालू हुआ तो इसके चलते इसका जो सर्कुलर पाथ है वो धीरे धीरे छोटा होना चालू होगा। और लास्ट में ये जो इलेक्ट्रॉन है, हम लोग देखेंगे कि लास्ट में यह जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते घूमते न्यूक्लियस में बिल्कुल चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार इस तरह का जो एटॉमिक मॉडल है वो बिल्कुल भी अस्टेबल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये एक सबसे पहला ड्रॉबैक। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एटम के विषय में कोई भी बात को नहीं बोला। तो इस तरीका से हम देखते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल के दो ड्रॉबैक्स हैं।